हेलो एवरीवन, डस्टिंग कर रही थी तो मैंने कहा आज वीडियो में आपसे बात भी कर लूं और वीडियो भी बना लूं। और बारिश हो गई है, उससे काफ़ी हमें राहत मिली गर्मी से। और साफ सफाई भी करने का दिल कर रहा है क्योंकि डस्ट अब नहीं आ रही है, उड़ेगी क्योंकि मिट्टी बैठ चुकी है। और देखो, कहीं बारिश से इतना कहर होता है कि जहाँ कहीं बाढ़ आ जाती है और किसी को तो ठहरो पंखा बंद करते, फैन की आवाज़ आ रही थी। और कहीं बाढ़ से देखो, उनके पीने के लिए पानी तक नहीं होता, खाना भी एरोप्लेन से भेजना पड़ता है उनको, हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है कि खाने की भी नौबत आ जाती है, पानी पीने की भी नौबत आ जाती है। उनके किसान जो हैं उनकी खेती बह जाती हैं और कहीं पूरे के पूरे पहाड़ ढह रहे हैं। ये सब देखकर बहुत डर लगता है। और लोग भी इतने पागल हैं कि देखो, कहीं भागवत कथा हो रही है या कहीं सत्संग हो रहा है, वहाँ बच्चों को छोटे लेके जाते हैं और भगदड़ मच गई और वहाँ पे बच्चे और कितने मर गए हैं, अभी न्यूज़ में देखा है। तो ऐसी जगह आप बच्चों को लेके ही क्यों जाते हैं? और देखो कितने पहाड़, और कहीं बिजली कड़कती है, कहीं बिजली गिर जाती है, कहीं बादल फट जाता है। ये सब देख के बहुत बहुत ही डर लगता है मुझे तो। और कहीं भी टाइम देख कर जाओ, मौसम देख के जाओ, कहीं भी जाना है आपने। और ऐसा बहुत सेफ जगह रह रहे हैं हम, भगवान की दया से हमें बहुत अच्छा, और सबकी सुबह अच्छी आए ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सबका शुभ दिन हो, किसी पे कोई कहर ना हो, ये हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओके।